हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी की पाठशाला। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आरटीआई एक्ट के तहत, जैसा कि आपको पता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाते रहता हूँ और मैंने बहुत सारे आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने बहुत सारे आरटीआई लगा रखी है और उनको वीडियोज़ भी बना रखे हैं कितनी वैकेंसीज खाली चल रही है रेलवे में। तो देख सकते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा क्या रिस्पॉन्स दिया गया है, इन्फॉर्मेशन सोर्ट बाय द पार्टी। तो मैंने क्या पूछा है यहाँ पर, सबसे पहले देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूछा था हाउ मेनी वैकेंसी आर देयर इन रिलीज। यहाँ पे नोटिफिकेशन 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था आपके CN नंबर 01/2000 NTPC की जो नॉन गेजेटी वाली जो पोस्ट थी उसके बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है। तो इसमें कितनी वैकेंसीज आर देयर, मतलब कितनी वैकेंसीज इनके पास है, तो यहाँ पे देख सकते हो आइटम नंबर यहाँ पे 2 का इन्होंने जवाब दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द सबमिटेशन अकॉर्डिंग द जो आपके 2018 के अनुसार सच इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड सप्लाई द आरटीआई एक्ट एग्जिस्ट हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी और हेल्ड अंडर द कंट्रोल द पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई नो जो फॉर्म द प्रोवाइड द क्लैरिफिकेशन ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन द CPO इज नॉट सपोज। यहाँ पे सारी जानकारी इनको लिखी है जो अपने मेन के काम की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इन्होंने बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ एवर एज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द नॉन गेजेटिंग पोस्ट टोटल नंबर ऑफ वैकेंट, देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट इन ऑफ ग्रुप सी। यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप सी में जो आपके लोको पायलट की पोस्ट भी ग्रुप सी के अंतर्गत ही आती है, आपके NTPC की पोस्ट भी ग्रुप सी के अंतर्गत ही आती है आपके। तो ग्रुप सी वाली जितनी भी पोस्ट है आपकी, जो नॉन सेफ्टी वाली पोस्ट है, एक तो नॉन गेजेटी और गेजेटी, नॉन गेजेटी वाली जो पोस्ट है आपकी जिसके अंतर्गत सेफ्टी वाली पोस्ट भी आती है आपकी और नॉन सेफ्टी वाली पोस्ट भी आती है, टेक्नीशियन की पोस्ट भी इसी के अंतर्गत आती है आपकी। तो यहाँ देख सकते हैं इंक्लूडिंग लेवल वन भी यहाँ पे यानी जो ग्रुप डी की पोस्ट है वो भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। इन द इंडियन रेलवे, यहाँ पे देख सकते हो इंडियन रेलवे एज ऑन 1/4/2022 के अनुसार, 1/4/2022 के यानी 1 अप्रैल 2022 के अनुसार प्रोविजनली आर, यहाँ पे कितनी पोस्ट वैकेंट है यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने हाईलाइट करके बता रखा है कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हो 21, 25, 1,000, 10,000, 1,000,000। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 338,000 यहाँ पे 3,03,862 पोस्ट इन्होंने खाली बताई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि PMO ने भी यहाँ पे ट्वीट करके बताया था, PMO ने भी कि 1,000,000 आपके पोस्ट खाली चल रही है, 10,00,000 आपके इसमें पोस्ट खाली चल रही है सभी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल रेलवे चाहे रेलवे हो, जिसमें से 3,00,000 प्लस आपकी पोस्ट थी वो रेलवे की थी। उसी के रिगार्डिंग इन्होंने बताया है कि NTPC का नोटिफिकेशन निकलने के बावजूद आपकी इतनी पोस्ट इसमें खाली चल रही है। ये वो पोस्ट नहीं है कि जैसे मतलब NTPC का नोटिफिकेशन आया था उसमें जो पोस्ट है उसको नहीं गिना गया है, ना ग्रुप डी का जो 2019 का नोटिफिकेशन निकला है 1,00,000 उसको भी नहीं गिना, उसके बावजूद ये इतनी पोस्ट इनके पास खाली है 3,00,000 प्लस। यहाँ पे देख सकते हो 3,03,862 पोस्ट इनके पास अभी भी खाली चल रही है और ये आपको जैसा कि उन्होंने बताया 18 महीने के अंदर ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो 18 महीने यानी आप देख सकते हो कि 2023 के अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे बहुत सारे। सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा RRBJEE का देखने को मिलेगा, RRBJEE का, उसके बाद में आपको टेक्नीशियन का देखने को मिलेगा, LPB भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो सबसे पहले JEE का आएगा, फिर टेक्नीशियन का आएगा, इसी तरीके से फिर ग्रुप डी NTPC इनके भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे में 3,03,862 पोस्ट इन्होंने खाली बताई है। तो आप देख सकते हो और जैसा कि मैं आपको हर अलग अलग वीडियोज़ में बताता भी रहता हूँ कि इतनी पोस्ट इस डिपार्टमेंट में खाली चल रही है, इस डिवीजन में इतनी पोस्ट खाली चल रही है। तो रेलवे को कुल मिला के देख सकते हो कितनी पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपके टोटल 20-21 तो RRBs हैं आपके, RRBs हैं, उनमें फिर आपके 16 आपके डिविजनल आ जाते हैं, फिर उनमें डिविजनल में भी यहाँ पे देख सकते, सॉरी 16 आपके जोनल रेलवे आ जाते हैं, जोनल रेलवे में एक ही जोनल रेलवे में कितने सारे डिवीजन होते हैं। तो उसी तरीके से तो मैं आपको कुछ RTI की रिप्लाई भी दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने बताया है कि अभी जो मेरे पास रिसीव हुए हैं जिसमें कितनी पोस्ट किस डिवीजन खाली चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं 6/9 की डेट में जो आप मेरे पास RTI का रिप्लाई रिसीव हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6/9 की तारीख यानी 6 सितंबर को ये ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से आया है। तो इसमें टोटल इन्होंने बताया है कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूछा था यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाउ मेनी पोजिशन आर वैकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट NTPC ग्रुप डी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर कैटेगरी वाइज हमें डाटा प्रदान करें। तो इन्होंने डाटा दिया है ऑपरेटिंग में, यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया गया है, सारा डिपार्टमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो। डिपार्टमेंट में NTPC की पोस्ट हो गई, टेक्नीशियन की हो गई, ग्रुप डी की हो गई, JEE की हो गई, LPB की हो गई। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में NTPC की 18 पोस्ट है, ग्रुप डी की 151 है, उसके बाद CLM इनमें 138 पोस्ट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट है NTPC की, 118 पोस्ट टेक्नीशियन की, मैकेनिकल CW वाली पोस्ट में, और 14 पोस्ट आपके इसकी ग्रुप डी की बताई गई। उसके बाद में मैकेनिकल में यहाँ कोई पोस्ट नहीं है,
रनिंग में कितने हैं, तो यहाँ पे रनिंग में देख सकते हो, रनिंग में 279 पोस्ट आपके एलपी की है। उसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पे डीएलएस में यहाँ पे टेक्नीशियन की 41 है, ग्रुप डी की 26 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट है एनटीपीसी की, टेक्नीशियन की 39 है, 416 यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की पोस्ट का लिए 416। और यहाँ पे देख सकते हो जेई की 27 है। अभी भी आपको पता है कि 2018 की जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, उसको ये नहीं भर पाए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और एलपी टेक्नीशियन के भी ये वेटिंग लिस्ट के अनुसार इनके वेटिंग क्लियर कराए जा रहे हैं, जैसे मैं पैनल बताता रहता हूँ। पैरामेडिकल के भी अभी इन्होंने वेटिंग क्लियर नहीं किए, तो उसके अनुसार ये भर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी पोस्ट खाली चल रही है, ग्रुप डी के तो स्टूडेंट कैंडिडेट ज्वाइनिंग ही नहीं लेते, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट, जब बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे सारा डाटा आप देख सकते हो कि इस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी यहाँ पे पोस्ट खाली चल रही है। बात करते हैं नेक्स्ट रिप्लाई की, अगला जो रिप्लाई निकल के आए हैं आप देख सकते हो, वेस्टर्न रेलवे डिवीजन ऑफिस यहाँ पे 6 तारीख की डेट में ये रिप्लाई निकल के आए हैं, मुंबई सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी पोस्ट इन्होंने खाली बताई है, इंफॉर्मेशन पेटिंग द पॉइंट नंबर 3 की जो इन्होंने बताई है, ये तो इनसे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे देख जो थर्ड पॉइंट है उसका इन्होंने बताया टेक्नीशियन ग्रेड की, यहाँ पे 85 पोस्ट इन्होंने खाली बताई है, मुंबई डिविजनल में 85 पोस्ट खाली है टेक्नीशियन की। और यहाँ पे 9 नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हो कि देख यहाँ पे टोटल बता देता हूँ, 51 आर वैकेंट फॉर टेक्नीशियन, सॉरी यहाँ पे 51 वैकेंसी तो आपके टेक्नीशियन की खाली है। और उसके बाद 85 पोस्ट है जो यहाँ पे देख सकते हो, 85 नंबर ऑफ पोस्ट है वैकेंट फॉर एलपी, तो असिस्टेंट लोको पायलट की 85 पोस्ट खाली है मुंबई डिविजनल में, एमएमटी जो है आपके एमएमटी पर्सनल डिपार्टमेंट यहाँ पे देख सकते हो तो इसमें इतनी इतनी पोस्ट आपके इसमें खाली चल रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिप्लाई की, सो फ्रेंड्स अगला जो रिप्लाई निकल के आए यहाँ पे 5 तारीख की डेट में देख सकते हो, पश्चिम रेलवे से आया, ये भी पश्चिम रेलवे में आप देख सकते हो कितनी पोस्ट इसमें खाली बताई जा रही है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे जेई की एक पोस्ट खाली बताई जा रही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगला जो 01 आपके रतलाम डिवीजन है उसमें आप देख सकते हो 12 आपकी जेई की पोस्ट खाली बताई जा रही है। उसके बाद में जो सहायक यहाँ पे सहायक की पोस्ट खाली बताई जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो सहायक की 53 पोस्ट खाली बताई जा रही है डीवीडी के लिए। और उसके बाद में आगे बात करें तो और भी यहाँ पे पोस्ट बताइए इन्होंने, इसमें देख सकते हो 24/8 के डेट में रेफरेंस दे रखा है कितनी पोस्ट इसमें खाली है। तो यहाँ आप देख सकते हो रतलाम डिवीजन पॉइंट्समैन की 1 यहाँ पे पॉइंट्समैन जो बी होता है उसके लिए 192, और उसके बाद गेटमैन के लिए 16 पोस्ट है, खलासी के लिए 4 पोस्ट है, मार्कर के लिए 3 पोस्ट है, वेटिंग रूम के लिए वेरा के लिए 2 है, रिटायरिंग के लिए 2 है, इंक्वायर्स के लिए 2 है, ट्रैफिक वर्कशॉप के लिए हेल्पर के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट इसमें खाली बताई जा रही है। कुछ रिप्लाई जो मुझे जीमेल पे भी रिसीव हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे एक और रिप्लाई यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9/9 की तारीख में ये रिप्लाई निकल के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 तारीख की डेट में यानी आज की डेट में ये रिप्लाई निकल के आया है। टेक्नीशियन की बात करें तो 7 पोस्ट खाली बताया जाए टेक्नीशियन फिटर के लिए, एलपी के लिए इन्होंने कोई नहीं बताया। 21 डिवीजन से निकल के आया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके निकल के आया है, ममदा सेंट्रल रेलवे से निकल के आया, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल रेलवे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगला यहाँ पे देख सकते हो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो आपके डीआरएम ऑफिस है मुंबई, 17/5 इन्होंने डेट दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 17/5 की डेट तक कितनी इनके पास वैकेंसीज खाली थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी पोस्ट इन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो करंट वैकेंसी यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो टोटल जो आपकी पोस्ट इसमें 4 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हो। उसके बाद में कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे ज्वाइन किया है देख सकते हो, मेन पैनल रिसीव कितना हुआ है, उसके बाद में कितना रिक्वेस्ट भेजा गया, सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो इसको अनुसार आप देख सकते हैं CW के लिए 120 पोस्ट इसमें खाली बताई जा रही है। इस तरीके से मैंने बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे बता रखी है। यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी नंबर के लिए एक पोस्ट है, यहाँ पे कैटेगरी नंबर जो आपके 53 है TRD वाली जो पोस्ट है JEE में, उसके लिए यहाँ पे इतनी पोस्ट खाली बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो MMT में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट नज़र आएगी। जम्मू के लिए यहाँ पे देख सकते हो टोटल कितनी पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट TRD के लिए, उसके अंदर असिस्टेंट TRD सब असिस्टेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अनरिजर्व के लिए कितनी पोस्ट है। तो कैटेगरी वाला सारा दे रखा है इसमें, आप डाटा देख सकते हो कि 164 भी है, 50 है, 122 है, तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसमें पोस्ट खाली जो बताई जा रही है। तो टोटल की बात करें तो यहाँ पे 182 तो ग्रुप डी के लिए पोस्ट है जो CGSM है, पावर में यहाँ पे 83 है, टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट है, उसके बाद टेक्नीशियन पावर में कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद RSC की एक पोस्ट है, JEE के लिए यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल पावर में तो 13 पोस्ट बताई जा रही है। उसके बाद में वैकेंसी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली बताई जा रही है आपके, 110 यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व की, अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें देख सकते हो सभी कैटेगरी वाइज ग्रुप डी की 73 पोस्ट है। उसके बाद में टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो
तो टोटल की बात करें तो यहाँ पे जो आपके 1000 ट्रैक मेंटेनर की बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली है यहाँ पे ग्रुप डी में, 1085। उसके बाद खलासी POI की 14 पोस्ट है, खलासी ब्रिज की यहाँ पे 15 पोस्ट है, खलासी वर्क के लिए 143 है। देर आर द नो वैकेंसीज फॉर टेक्नीशियन। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे देख सकते हो 45 पोस्ट बताई जा रही है। जूनियर इंजीनियर की वर्क्स में 4 पोस्ट है, इसमें देख सकते हो इंक्लूडिंग यहाँ पे सारी दी गई है पैरा नंबर के अनुसार ही। और रिप्लाई है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये रिप्लाई निकल के आया था, इसमें देख सकते हो कितनी सेक्शन की गई। हुबली जोन में बात करते हैं तो यहाँ पे 125 है एक्चुअल, मतलब सेक्शन किए गए 125 और एक्चुअल यहाँ पे देख सकते हो कि 46 है, तो इसमें कोई पोस्ट नहीं इनके पास खाली नहीं है। और भी बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हो ये मेरे चैनल है, इसमें देख सकते हो कि टेक्नीशियन का मैंने अभी हाल ही में बताया था, एक मंथ पहले बताया था यहाँ पे KLP की कितनी पोस्ट इसमें खाली है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आओगे आप तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जी अभी जो RTI का रिप्लाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो RTI की किस रिप्लाई यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी का, यहाँ पे देख सकते हो कि RTI टेक्नीशियन में कितनी पोस्ट है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में कितनी पोस्ट खाली चल रही है, तो अलग अलग का अलग अलग देख सकते हो, वेस्टर्न रेलवे में कितनी है। उसके बाद में यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में ओल्ड डिवीजन की कितनी बताई जा रही है, उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे में है। उसके बाद में सभी के अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट में मैंने पूछ रखा है LP टेक्नीशियन की। यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि लोकल इंस्पेक्टर की सभी की मिला के यहाँ पे 2768 पोस्ट इसमें खाली बताई जा रही है, तो बहुत सारी पोस्ट खाली बताई जा रही है जैसा कि इन्होंने आज रिप्लाई दिया है। उसी के अनुसार सारी जितनी भी मतलब 3 लाख जो आपकी प्लस भर्तियां हैं उसी तरीके से खाली है, और मैंने 200 प्लस यहाँ पे RTI रजिस्टर कर रखी है। उनका जैसे रिप्लाई आ जाएगा सभी 21 जोनल रेलवे में मैंने RTI लगा रखी है, 16 आपके जोनल रेलवे में और 21 RRB में, तो जैसे उनका RTI का रिप्लाई आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। DFCCIL RRB का भाग है, रेलवे का है, तो इसमें भी बहुत सारी पोस्ट खाली है ट्रैक में। जो MTS की जो आपकी पोस्ट है उसमें भी 2018 के बाद में भर्ती आपको देखने को नहीं मिली, तो इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती देखने को मिलेगा। और 2023 में आपको बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी, तो इसकी तरफ से भी आपको 2023 में बहुत सारी भर्तियाँ देखने को मिलेगी रेलवे की तरफ से। और आपको पता है कि 2024 में चुनाव है तो इनको तो वैकेंसीज निकालनी है, तो जैसे ही और बाकी RTI के रिप्लाई आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये था इस वीडियो में, मैंने ये बताने की कोशिश की कितनी वैकेंसीज आपके खाली चल रही है RTI के थ्रू भी और RTI के जो रिप्लाई आए हैं उनके थ्रू भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलती रहे।